तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लता तुम्हें क्या पता है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो या तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि वे प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करने और बाद में लता को भला बुरा कहने यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों ना चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि उसे खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिजर्व हो का काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचानों के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा है, घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी, शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड कर रहेगा पापा? काव्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है, प्रशांत गुस्से भरी आँखों से कहते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी, मुझे आपके जैसा जीवनसाथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए, मुझे कुछ भी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था, वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है, आप अपने आप ही इसका गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। अपनी बातें सुन सुन कर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा ना ही हूँ।
काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगी कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना तो मैं उस आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता के ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई प्रशंसा। प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो, खिड़की से जागते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चले जाओ।